हेलो एवरीवन, कैसे काय। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में। देखो, ये दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं बहुत इजी, राइट। लेकिन बच्चे इस पे बेस्ड आने वाले क्वेश्चन को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि उनको लगता है कि इसमें कैलकुलेशन बहुत है। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको वो ट्रिक दूंगा जिससे आपको कैलकुलेशन या तो करना नहीं होगा या करना भी होगा तो बहुत ही कम। तो कैसे, ध्यान से देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, तो इसको मैंने एक डे टू डे लाइफ से कनेक्ट किया है कि जिस तरीके से क्लाउड होता है, राइट, बादल होते हैं, बादल से हमें क्या मिलता है, वाटर, पानी मिलता है, और किस फॉर्म में मिलता है, ड्रॉप्स के फॉर्म में मिलते हैं, राइट। तो वैसे ही किसी भी एनर्जी सोर्स लाइक लाइट से हमें जो एनर्जी मिलेगी वो किस फॉर्म में मिलेगी, स्मॉल स्मॉल पैकेट के फॉर्म में। उसका नाम रखा गया है फोटोन, और अगर एक से ज़्यादा पैकेट होगा तो उसको बोलेंगे क्वांटा। तो ये चीज़ें कुछ नया नहीं है, जैसे ड्रॉप्स हैं वैसे आप मानो फोटोन है। किसी भी एनर्जी सोर्स से जो हमें एनर्जी मिलता है वो स्मॉल स्मॉल पैकेट के फॉर्म मिलता है, और उस पैकेट का नाम है फोटोन। तो उस एक फोटोन की एनर्जी क्या है, इस एक फोटोन की एनर्जी क्या है, तो वो हम निकाल सकते हैं एच प्लैंक कॉन्स्टेंट सी लाइट के स्पीड बाय लैम्डा से, राइट। एच सी बाय लैम्डा, यू नो सी बाय लैम्डा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, तो एच एफ। अब यहाँ पे सारी वैल्यू मैं पुट करूँगा तो ये 1240 के आसपास आएगा, लेकिन लैम्डा नैनोमीटर में आपको पुट करना है। तो एक ये याद रखना आपको, E इज इक्वल टू 1240, ऊपर की वैल्यू ख़त्म हो गई, एक कांस्टेंट नंबर, लैम्डा नैनोमीटर में, या फिर 1240 लैम्डा एंगस्ट्रॉम में पुट करना, और एनर्जी की यूनिट किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ध्यान रहिए, एक फोटोन, एक सिंगल फोटोन का एक ड्रॉप का एनर्जी है, एक से ज़्यादा ड्रॉप होंगे तो जितना होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए 1 मोल का पूछेगा तो 6 × 10³ से मल्टीप्लाई कर देना है एक फोटोन की एनर्जी में, राइट। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, क्लियर है पॉइंट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना हो तो वेरी सिंपल, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही वो नंबर है, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, ये कन्वर्जन में काम आएगा। इसको हम बोर्स थ्योरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, कैसे, वी नो कि अगर फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड सो ऑन, राइट। तो जब फर्स्ट से सेकेंड पे जाएगा, या फर्स्ट से थर्ड पे, या सेकेंड से थर्ड पे, तो एनर्जी एडजॉर्ब होगी, लैम्डा एडजॉर्ब की बात करेंगे, एनर्जी देना पड़ेगा। और जब ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, लाइक 2 to 1, 3 to 1, 3 to 2, तो एनर्जी इमिट करेगा, तो लैम्डा इमिट बोलेंगे। तो कभी भी दो शेल, दो ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कैसे निकाल सकते हैं, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 1/(n1)² - 1/(n2)² तो इससे आप निकाल सकते हो, राइट। ये बोर्स आया, और ये जो दो एनर्जी का गैप है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कोई ना कोई वेवलेंथ इमिट करेंगे, और वो वेवलेंथ को हम इसी एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं एच सी बाय लैम्डा से। तो यहाँ से एच सी की वैल्यू आपको मालूम है, लैम्डा अगर निकालना होगा तो ये सब गिवन होगा, या लैम्डा दे देगा तो इनमें से कुछ पूछ सकता है। तो इस पे बेस भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। सिंपल, हमने एनर्जी को इक्वेट किया है, इन दोनों के बीच का गैप की एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, बोर्स मॉडल से, डैट शुड बी इक्वल टू एच सी बाय जो लैम्डा ये इमिट करेगा, या फिर जो फ्रीक्वेंसी ये इमिट करेंगे। अगर एडजॉर्ब होगा तो एडजॉर्ब की बात करेंगे, इमिट होगा तो इमिट की बात करेंगे। तो ये है आपका प्लैंक क्वांटम थ्योरी। दूसरा है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो इसका क्या कहना था कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर उसमें वेलोसिटी है, अगर वो मूव कर रहा है तो वेवलेंथ इमिट करेगा, और उसने अपने नाम पे नाम रख दिया था डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो वेरी सिंपल है, तो ये जो लैम्डा है ये एक्चुअली क्या है, डी ब्रोगली, डी लिख देता हूँ मैं, लैम्डा डी ब्रोगली। तो वो कैसे निकालेंगे, प्लैंक कांस्टेंट में डिवाइड कर देंगे मास उस ऑब्जेक्ट का और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से, तो एच अपॉन एम वी, यू नो मोमेंटम हो जाएगा ये, मास इनटू वेलोसिटी, तो एच अपॉन पी भी लिख सकते हैं इसका, और दूसरे फॉर्म में लिखना हो तो एच, राइट। और ये को 2 times ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, ध्यान रहे यहाँ पे रूट अंडर में है, इधर में कोई रूट नहीं है, और ये रूट अंडर ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी को चार्ज इनटू वोल्टेज लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी चार्ज इनटू वोल्टेज होता है, अगर चार्ज पार्टिकल होगा तो, या चार्ज इनटू पोटेंशियल बोले तो भी एक ही बात है। तो उसी को मैंने पुट किया, यू नो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होते हैं, दोनों साइड एम से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, एम के इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो एम वी का स्क्वायर 2mk हो गया, इसलिए एम वी यहाँ पर हमने पुट कर दिया रूट अंडर ऑफ 2mk, तो ये वहीं से आ गया,
और के ई को मैंने चार्ज इनटू वोल्टेज। तो ये फोर डिफरेंट फॉर्म में ये फार्मूले हैं लैम्डा डी ब्रोगली निकालने के। अगर मास वेलोसिटी गिवन होगा तो ये यूज करोगे, मोमेंटम गिवन होगा तो ये यूज करोगे, काइनेटिक एनर्जी गिवन होगा तो ये यूज करना, चार्ज वोल्टेज गिवन होगा तो ये यूज करना। तो ये है, ये कैसे आया, तो वेरी सिंपल, यू नो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग आप जानते हो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर और ई इज इक्वल टू एस बाय लैम्डा प्लैंक क्वांटम के अकॉर्डिंग दोनों एनर्जी है, हमने इक्वेट कर दिया तो यहाँ से आ गया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। ये सी कौन है, लाइट की स्पीड है, इसकी वैल्यू कितनी होती है तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट डेट। लेकिन हमारा सारा ऑब्जेक्ट तो लाइट के स्पीड से चल नहीं सकता, तो अगर नॉर्मल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो सी को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, वेलोसिटी से, और उसका मास तो मास रहेगा तो यही एच अपॉन एम वी आया। तो ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। नाउ ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी सर्कमफ्रेंस पे कितने डी ब्रोगली वेवलेंथ होंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, बहुत ईजी है। तो ये मैंने एक सर्कल बनाया, इसका सर्कमफ्रेंस का लेंथ कितना हो जाएगा 2πr, अगर रेडियस r होगा तो इसमें कितनी वेवलेंथ होंगी, n वेवलेंथ होंगी, n टाइम्स ऑफ लैम्डा, 2πr इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा। 2πr की वैल्यू अगर हाइड्रोजन एटम है या कोई भी एटम है तो क्या हो जाएगा, a नॉट, राइट, आगे का सम कॉन्स्टेंट, दैट इज नथिंग बट 0.529 या 0.53 एंगस्ट्रम हो जाएगा। एन स्क्वायर बाई जेड इज इक्वल टू एन लेमडा, एन से एक एन कैंसिल हो जाएंगे तो लेमडा यहाँ से कितना हो गया, ध्यान से देखो 2πa नॉट बाई जेड इंटू एन। तो इससे क्या फ़ायदा हो गया, ये लेमडा डी ब्रोगली है, इससे क्या फ़ायदा हो गया, डायरेक्ट आप बता सकते हो। जैसे मुझे पूछा गया हाइड्रोजन एटम में, 99% हाइड्रोजन एटम में पूछा जाता है, इसलिए जेड 1 हो जाएगा तो लेमडा डी ब्रोगली कितना हो जाएगा 2πa नॉट इंटू एन। अदर कोई एटम होंगे तो उसका जेड पुट कर देना है। तो हाइड्रोजन एटम में अगर आप ध्यान से देखो, अगर फर्स्ट शेल का बोला तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 2πa नॉट, एन की जगह 1 पुट कर देंगे। सेकेंड सेल तो जितना सेल होगा उसका डबल हो जाएगा, इसका 4 टाइम्स ऑफ पाई ए नॉट। थर्ड बोलेगा तो क्या हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ पाई ए नॉट। फोर्थ बोलता तो क्या जाता है 8 टाइम्स ऑफ पाई ए नॉट। इस टाइप से पूछे गए, या फिर ए नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2πa इंटू 0.529 ऐसा हो जाएगा, राइट, या मल्टीप्लाई करके लिख देगा। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, इंपॉर्टेंट है और इजी है। किसी भी सर्कमफ्रेंस पे एन वेवलेंथ होंगी, 2πr इज इक्वल टू एन लैम्डा आपको कर देना है, राइट। दूसरा जो है, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस भी कई बार क्वेश्चन आए हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइसो वर्ड जहाँ पे भी आए केमिस्ट्री में वहाँ पे मतलब है सेम, यहाँ पे नाम इटसेल्फ बता रहा है इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, जो एटॉमिक नंबर होगा वो तो रहेगा ही, अगर प्लस चार्ज होगा तो उतना इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है, डैट मीन्स उतना एटॉमिक नंबर में से माइनस कर देना है, और अगर माइनस चार्ज होगा तो उतना ऐड कर देना, माइनस में ऐड कर देना है, प्लस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल Na प्लस, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 था, एक इलेक्ट्रॉन प्लस मतलब एक दे दिया तो 11 माइनस 1 दैट इज 10, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन 9 था एटॉमिक नंबर, माइनस मतलब इसने कर्ज ले लिया तो एक और आ गया तो 9 प्लस 1 10, कन्फ्यूज नहीं होना है। ऑक्सीजन 8, दो माइनस मतलब दो ले लिया कर्ज तो 8 प्लस 2 डैट इज 10। एल्युमिनियम 13, 3 प्लस मतलब 3 दे दिया तो माइनस 3 डैट इज 10, तो सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गए। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, जरूरी नहीं हो सिंगल एटम गिवन हो, पॉली एटम भी होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सबके एटॉमिक नंबर को ऐड कर लेना है, जितना चार्ज होगा, चार्ज में बस ये ध्यान रखना प्लस होगा तो सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस होगा तो ऐड करना है, उल्टा कर देना है, ओके। आइसोटोप में देखो लास्ट में क्या आ रहा है, पी, आइसो मतलब सेम, पी में पी, तो पी से क्या हो जाएगा प्रोटॉन, तो सेम प्रोटॉन और डिफरेंट मास नंबर होंगे, तो लाइक हाइड्रोजन के आइसोटोप 1H1 1H2, तो ध्यान से देखो दोनों में प्रोटॉन सेम है। वैसे ही आइसोटोन है, आइसोटोन में एन आ रहा है, एन से न्यूट्रॉन, मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फरस 15-31, सल्फर 16-32। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को, डैट मीन्स ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को माइनस कर देना, वेरी सिंपल। तो यहाँ भी देखो ध्यान से 16 आ जाएगा, यहाँ भी 16, तो सेम न्यूट्रॉन है इसलिए आइसोटोन। और आइसो बार में बी आ रहा है, तो यहाँ पे सेम क्या होते हैं, मास नंबर, ऊपर वाला नंबर सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ भी 40 यहाँ भी 40, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसो बार। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा आइसो इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर वन में लेमडा डी मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनथ बोर ऑर्बिट इज 1.5 ए नॉट, तो वैल्यू ऑफ एन वाई जेड। तो अभी आपको बताया था ज्ञान की बात में कि जो लेमडा डी हो जाएगा वो 2 पाई ए नॉट एन बाई जेड होता है, और ये आपको गिवन है तो पुट कर दो 1.5 पाई ए नॉट इज इक्वल टू 2 पाई ए नॉट एन बाई जेड। ध्यान दे ये जेड है राइट, तो ध्यान से देखो पाई ए नॉट कैंसिल, 1.5 को आप क्या लिख सकते हो 3/2, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2 इज इक्वल टू एन बाई जेड, तो इसलिए एन बाई जेड यहाँ से कितना हो गया 3/4 डेट इज 0.75, तो आंसर डी। क्वेश्चन नंबर टू में डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ कार ऑफ मास 1000 kg और स्पीड आपको गिवन है, तो राइट तो हमारा फॉर्मूला क्या था लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। तो अब ध्यान से देखो कैसे करना है, यहाँ पे बच्चे को लगता है कि कैलकुलेशन करना नहीं, चूँकि सारी यूनिट मीटर में है राइट, तो इसलिए आपको ऐसा यूनिट में पुट करना है, तो आप हेच की वैल्यू पुट कर दो। हेच कितना हो गया 6.6 × 10⁻³। मास केजी में है बहुत अच्छी बात है 10³, और वेलोसिटी ये 36 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में ले जाना है, तो यू नो 36 किलोमीटर हो गया तो 1000 मीटर, और पर आवर एक आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इसको तो ये 6 6 36 से ये कैंसिल हो जाएंगे 20 से 20, तो ये सिर्फ 10 आ जाएगा, तो इंटू में 10 राइट। तो अब ध्यान से देखो ये 10⁴ बनेगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁸ हो जाएंगे, ऐसा एक ही ऑप्शन है। वैसे भी अगर ऑप्शन से जाते हैं तो 10⁻⁴ से बड़ा पावर होना चाहिए निगेटिव में, ऐसा एक ही ऑप्शन था राइट। क्वेश्चन नंबर थ्री में लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ़ काइनेटिक एनर्जी इज गिवन टू यू, डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का बताना अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है x × 10⁵ है, तो अभी आपको बताया था लेमडा क्या हो जाएगा h अपॉन 2m × काइनेटिक एनर्जी और इसका रूट ओवर, तो h हो गया 6.6 × 10⁻³, 2 मास आपको इलेक्ट्रॉन का गिवन था 9 × 10⁻³, और काइनेटिक एनर्जी भी आपको गिवन है डेट इज 4.5 × 10⁻²9। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 31 और 29 ऐड हो जाएंगे तो 60, उसका रूट है तो 10⁻³, और ये 2 × 4.5 9 होगा, 9 का रूट 9 बार निकलेगा राइट, तो ये कैंसिल होंगे तो 10⁻⁴ बचेगा, क्योंकि 10⁻⁵ में चाहिए तो एक इसका 10 आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 66/9 जो कि अप्रॉक्स में क्या हो जाएगा 7 इंटीजर टाइप में, तो इसका आंसर रहेगा 7। क्वेश्चन नंबर फोर में डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ लिथियम प्लस 3/ लेमडा ऑफ प्रोटॉन बताना है अगर पोटेंशियल दोनों का सेम है, तो आपको बताया था कि लेमडा डी अगर पोटेंशियल की बात करेंगे तो हेच अपॉन रूट अंडर ऑफ 2m चार्ज इंटू वोल्टेज होगा, चूँकि पोटेंशियल सेम है और 2 कैंसिल हो जाएंगे, और हेच क्योंकि रेशियो है तो सिर्फ रूट अंडर ऑफ एम क्यू होगा राइट, मास इंटू चार्ज, और इन्वर्सली रिलेटेड है तो नीचे में पी है तो ऊपर में जाएगा, तो प्रोटॉन का मास 1 चार्ज 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिथियम का, तो लिथियम का मास कितना है वो गिवन था 8.3 और चार्ज कितना ध्यान से देखो प्लस 3 तो 3, तो ये कितना आ जाएगा 1/√25 डेट इज 1/5, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 × 10⁻¹, तो इसलिए एक्स कितना हो जाएगा आपका 2। तो इस टाइप से आपको करना है, कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर फाइव में एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन पूछा है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो यू नो एनर्जी क्या होता है एच इंटू एफ 6.6 × 10⁻³, और फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁻½ है, ये तो एक फोटोन का हुआ, ध्यान दे 1 मोल का, तो × 6 × 10⁻²। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो ऐसा नहीं कि आपको कैलकुलेशन पूरा करना है, यहाँ देखो 23 और 12 कितना हो गया 35, 35 में 34 जाएगा तो एक 10 आपका बच जाएगा राइट, तो आप कितना हो जाएंगे ये 66 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 इधर रह जाएंगे और इधर 6 रह जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि आपको पूरा करना है राइट, 6 × 2 कितना हो गया 12, 66 × 12 हो जाएंगे राइट, 66 को आप कितना ले सकते हो अप्रॉक्स 60 ले लो तो कितना हो जाएगा 720, और उससे ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा देखो एक ही ऑप्शन है क्लोज टू में 800, तो ऐसे आपको करना है अप्रॉक्स कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चे कैसे करते हैं सबके इलेक्ट्रॉन निकाल के करते हैं, ऐसा नहीं करना बेटा, थोड़ा अपना दिमाग लगाना, ध्यान से देखो यहाँ पे एक आयोडीन है यहाँ पे 3 आयोडीन है, तो ये कभी नहीं हो सकता,
आइसोइलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे ध्यान से देखो, दो ऑक्सीजन है, यहाँ तीन ऑक्सीजन है, ज़्यादा हो गया तो ये भी नहीं हो सकते। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे फास्फोरस है, और ऑक्सीजन भी ज़्यादा है तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो, तीन ऑक्सीजन, कार्बन है, नाइट्रोजन है, आसपास वाले और कम इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस टू है, यहाँ एक माइनस है तो इसमें हो जाएगा। दोनों में कितना इलेक्ट्रॉन है, 32। तो ऐसे आपको चेक करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 में एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग लेमडा दे दिया है, तो आपको बताया था कि एनर्जी जब भी निकालना होगा तो 1240 लेमडा नैनोमीटर में पुट करना है, और एनर्जी किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1240 लेमडा नैनोमीटर में 400 पुट कर दो। तो यहाँ से ध्यान से देखो, तो ये 4 3 12 और 4 1 4, तो ये 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अगर आपसे जोल्स में पूछा गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 3.1 × 1.6 × 10⁻¹⁹ जोल्स हो जाएंगे। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 में डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग पोटेंशियल वी, तो आपको बताया था लेमडा किसके बराबर है, H/√2m चार्ज इंटू वोल्टेज। आप पुट कर दो, H2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मास ही रहने दो, चार्ज इलेक्ट्रॉन का डेट इज ई हो गया 1.6 × 10⁻¹⁹, और वोल्टेज वी डैश है तो ये ऑप्शन हो जाएंगे। तो इस टाइप से आपको करना है। नाउ ज्ञान की बात, और डेट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है, कि आप डिफरेंट रेज को उनके इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में या डिक्रीजिंग वेवलेंथ में आप अरेंज कर दो, तो वो जो ऑर्डर होगा, जो अरेंजमेंट होगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट। और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर विजुअल, फिर इंफ्रारेड, फिर रेडियो वेव। तो इस ऑर्डर को कैसे याद रखेंगे, उसके लिए रफ़ी सर के पास ट्रिक है। कैसे याद रखेंगे, कॉस साइन थीटा कॉस थीटा होता है, राइट। तो कॉस गामा से गया, एक्स यूवी ये एक्स रेज है, ये अल्ट्रा वायलेट है, और ये विजुअल है, तो एक्स यूवी गाड़ी का नाम होता है, राइट। तो कॉस गया एक्स यूवी में, इधर आयर इंफ्रारेड को इधर मैं रोया। तो अगर कोई आपका फ्रेंड एक्स यूवी में घूम रहा है तो आपको जलन तो होगी, राइट। तो कॉस गया एक्स यूवी में, इधर मैं रोया से याद रख सकते हैं। यू नो एनर्जी हेसी बाय लेमडा है, तो एनर्जी आपका फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली पोर्शनल है, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा एनर्जी, और वेवलेंथ के इन्वर्सली, जितना कम वेवलेंथ होगा उतना ज़्यादा एनर्जी होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा, अब आप इस पर बेस सारे PYQ को कर सकते हो। थैंक यू।